फिर साइड में पूरे कमरे में देखो वो हो गया है। हाँ, इसको हम नाइट लैंप के लिए भी तो यूज हाँ, कर सकते ये देखो हैं। अगर मैं इसको सेंटर में रखता हूँ जहाँ पे इनका नाम है, ये देखो नाम ऐसे आएगा, हेलो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ चैलेंज 7 डे चैलेंज ऑफ गिफ्टिंग योर वाइफ गर्लफ्रेंड एनीथिंग एनीवन यू कैन गिफ्ट। हाँ, थोड़े से गिफ्ट ऐसे होंगे जो आप नहीं दे सकते, बट मोस्ट ऑफ द गिफ्ट आप दे सकते हो, सबको कस्टमाइज करवा सकते हो उनके लिए। तो आज हम एक और गिफ्ट देने वाले हैं पिंकू जी को, एक और गिफ्ट के साथ मैं आज एक वीडियो में आया हूँ, एक और बेहतरीन गिफ्ट। जी हाँ, ये भी कस्टमाइज होने वाला है। जी हाँ, आजकल गाइस कस्टमाइज गिफ्ट ही पसंद आते हैं सबको, मतलब जिसमें उनका पर्सनल टच हो, फोटो हो, नाम हो, कुछ एक ऐसी पर्सनल टच। और ऐसा ही हम एक और गिफ्ट लेके आने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, जब मतलब वहाँ से शेडो बॉक्स है, आपको मैं दिखाता हूँ वो गिफ्ट कैसा है कैसा नहीं है, फिर पिंकू जी को देंगे और उनको दिखाएंगे कैसा लगता है और वो गिफ्ट, वो देखना आप भी, मतलब वो कैसे, मतलब बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट होने वाला है। 7 दिन गिफ्ट देने हैं तो मैं चुन रहा हूँ एक एक करके गिफ्ट्स, तो आज वो गिफ्ट लेने जा रहा हूँ मैं, लेके आके आपको दिखाता हूँ, फिर पिंकू जी को देंगे, मजा आया। पीछे देख रहे हो, ये गिफ्ट भी दिया था, बहुत ऑसम है। आज मैं जैसे ही उठा ना, बारिश होनी शुरू हो गई है, दिल्ली मतलब हिमाचल बन गया यार। Oh, no. मतलब इतनी बारिश हो रही है तगड़ी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और डैब कहाँ है, मैं पहले डैब को मिलता हूँ। ये देखो इसका ना आइसक्रीम है, अभी आएगा देखना, वहां से भागा भागा आया। ये देखो हैंड वाले हमने बनाए थे, ये हैंड मोल्डिंग, ये सूप बार मतलब बारिश में गीली होनी शुरू हो गई थी, अब अभी हम अंदर लाए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कितनी बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही है, ये देखो आवाज़ आ रही है। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है, आज मौसम गीला हो जाएगा, फिर गीले पैर लेके अंदर जाता है तू, अंदर चलो यार। मतलब दिल्ली ना हिमाचल बन चुका है बिल्कुल, और पिंकू जी भी आ गए हैं। पिंकू जी और हमारा गाइस आज का वीडियो बहुत स्पेशल हो रहा है ना, क्योंकि ये चल रहा है गिफ्टिंग चैलेंज। गिफ्टिंग चैलेंज के अंदर मतलब आज मैं पिंकू जी के लिए एक और गिफ्ट लाया हूँ। पिंकू जी पता है आपको? नहीं। आज आपके लिए एक और गिफ्ट आया है। कहाँ है? अभी दिखाऊंगे। दिखाऊंगे? अभी दिखाएंगे। अभी दिखाएंगे। ये चाय पी लो। हमारी चाय आ चुकी है। आजकल मैं रोज जिंजर वाली चाय पीता हूँ, जिंजर हनी लेमन, ये तीनों वाली चाय आजकल मैं पी रहा हूँ। कभी कोई चलती रहती, कोई पीछे कोई चलती रहती, कोई समझ नहीं आ रहा। आजकल बारिश हो रही हो, मजा ही आ रहे हैं। दिल्ली हिमाचल बना हुआ। तो अभी मैं थोड़ी देर में गिफ्ट देता हूँ पिंकू जी को, पढ़ा यहीं पे है, पता नहीं है इन्हें किन के लिए है कुछ ऐसा। अभी इनको गिफ्ट देते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या गिफ्ट है, अच्छा लगता है नहीं लगता इन्हें। 7 डे गिफ्टिंग चैलेंज है और 7 दिन गिफ्ट देने हैं। खुश हो जाएगी, इससे ज्यादा बड़ी क्या चीज हो सकती है। तो गाइस चलो वो गिफ्ट रिवील कर देते हैं आपके, जो मैं पिंकू जी के लाया हूँ 7 डे गिफ्टिंग चैलेंज में। 7 डे गिफ्टिंग चैलेंज में ये दूसरा गिफ्ट है जो मैं पिंकू जी के लिए लाया हूँ। गिफ्ट दिखाता हूँ कौन सा क्या गिफ्ट है। पिंकू जी तैयार हो? Yes, हम तैयार हैं। चैलेंज तो मैंने लिया है, मुझे इसकी लगी हुई है क्योंकि इसके लिए नए नए गिफ्ट आ रहे हैं रोज, है ना। तो आज का जो गिफ्ट है, जो जो मुझे चाहिए वो भी ले दो। वो भी ले देंगे बेबी, वो भी ले देंगे। आज ही ऑर्डर। क्या चाहिए आपको? दो मुक्के खाने हैं। अच्छा, तो मैं रिवर्स में खाने हैं। तो आज का गिफ्ट रिवील करते हैं, टन टन शैडो बॉक्स। कैसा लगा? ये छत है इसकी। नाइस। चार्जर नहीं करेगा, चलो इसको चला के देखते हैं। प्रियंका इसको भी चला के देखते हैं। और क्या है? एक तो प्रियंका लिखा है, ये क्या है? इसको चला के देखते हैं ना, फिर पता लगेगा। ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें, अपना नाम उल्टा समझ आ गया, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा।
अपना नाम उल्टा नजर आ गया, उसमें उल्टा आ रहा है ना अभी देखना। अच्छा, ये लव लिखा है। ठीक है ठीक है, अब समझ आया। चलो इसको चला के देखते हैं, चला के देखते हैं। चलो चलो चलो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है, तो इसको थोड़ा हमें बिजली चाहिए रहेगा इसको चलाने के लिए। तो मैं ये स्टेक्शन हटा देता हूँ। स्टेक्शन में देखो कितना सामान लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लगा रहता है हमारे घर में। चलो अब इसमें, हाँ ये लगा दो, इसमें खड़ी हो ना, इधर आएगा ना शैडो। तो अभी हम लाइट्स ऑफ करते हैं थोड़ा देखने के लिए, कि आपको भी दिखाते हैं कैसा क्या आता है। ये देखो अपना वाला नाम वाला बस साइड करो ना, ऊपर देखो, सब कुछ देख रही हूँ ना, असली मैटर। तो पिंकू जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये कितना प्यारा लग रहा है ना यार। दिखाओ कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा, थैंक यू डार्लिंग, आई लव यू, थैंक यू। तो ये था हमारा दूसरा गिफ्ट जो हमने पिंकू जी के लिए दिया है। ये देखो बहुत अच्छा है, ये देखो ऊपर भी, अरे वो स्क्रीन पे देखो कितना अच्छा लग रहा है नाम मेरा इस स्क्रीन पे। ये देखो ये छत पे ऐसे आएगा, छत पे दिल दिल दिल, फिर साइड में पूरे कमरे में देखो वो हो गया। हाँ, इसको हम नाइट लैंप के लिए भी तो यूज़ हाँ, कर सकते। ये देखो अगर मैं इसको सेंटर में रखता हूँ जहाँ पे इनका नाम है, ये देखो नाम ऐसे आएगा और ऐसे छत पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बढ़िया लग रहा है यार, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको हम किटू जी लाइट नाइट लैम्प की तरह भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे हम नियॉन की काफी ज्यादा ब्राइट लाइट है। हाँ, तो इसकी इसको हम हल्के लाइट आएगी। हाँ, इसको हम साइड में या कहीं पे भी सेंटर में कहीं पे रख के टेबल पे रख देंगे, बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा है, ये जब शैडो पड़ते हैं ना क्लियर पता लगता है क्या क्या है। तो ये था हमारा दूसरा गिफ्ट गाइस, शैडो बॉक्स। अब हम 7 दिन 7 गिफ्ट, अगर ये चैलेंज चला तो मैं 1 ईयर भी कर दूंगा इसे। क्या बात है, मजे आ रहे हैं पिंकू जी के, तो मजे आ रहे हैं ऐसे पति मैं कहते सबको मिले, सबको। लोग कहते हैं शादी मत करो शादी मत करो, मैं कहती हूँ करो और ऐसे चैलेंज करो पति के साथ, मजा आएगा और जो चाहिए वो मांगो। पता नहीं क्या मांग लेगी अब, बताओ। मैं चैलेंज के नाम पे फटके मारेगी मुझे, फटके बड़े बड़े फटके। कोई नहीं, देखते हैं क्या मांगती है क्या नहीं। तो हम फिलहाल अब तीसरा गिफ्ट सोचेंगे क्या देना है क्या नहीं देना। गाइस अगर आपको पता है आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, मैं सोचूंगा क्या देना है, मुझे काफ़ी सोचना पड़ेगा। चलो सोचते हैं गाइस। डैब कह रहा मेरा गिफ्ट कहाँ है, मैं भी तो बच्चा हूँ आपका, मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरे डैबी का गिफ्ट कहाँ है, डैबू भी दोबारा बच्चा है, डैबू भी दोबारा बच्चा है, डैबू गिफ्ट मिलते हैं, डैबू गिफ्ट मिलते ही रहते हैं एक्चुअली। ना ये खाना, ना इसका कोई, इसके 4 गिफ्ट रोल रहे हैं, ना इसका कोई खाना फेवरेट है, खिलौना ये एक दिन में तोड़ के फेंक देता है, कहीं ना कहीं ही गवा देता है। इसका एक पुराना खिलौना है जो पहले दिन इसने लिया था, वही इसका फेवरेट है ना, भाग गया। क्या होगा क्या होगा, कहाँ जा रहा है, 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 योर लास्ट वन कंप्लीट द मिशन। तो पिंकू जी अब जा रहे हैं जलंधर अपनी राखी पे, तो उसके बाद हम उन 2 दिनों में ऐश करेंगे अपनी। पल पल की खबर लूंगी मैं, ये जाएगी वहाँ, हम करेंगे ऐश। जैसे अच्छा वैसे मुझे बोल देंगे जाओ जाओ जाओ, जैसे ही जाऊंगी ना यार घर खाली लग रहा है यार, दिल नहीं लग रहा यार, कब आओगे यार। ये तो है शादी के बाद दिल नहीं लगता, नहीं लगता तो नहीं लगता, क्या करें। कि ऐश बंदा कितने दिन करेगा, बात नहीं पार्टी बंदा कितने दिन करेगा, बात नहीं है, खुद उठ के पानी का गिलास कौन पिए। चलो चलो पिला देते हैं तो बात अलग है। अभी मैं अभी आज मैंने बर्गर का वीडियो भी बनाना, आज इन्होंने मुझे चीज और पनीर परांठा खिलाना था, महाराज 1 बजे सो के उठ रहे हैं, मेरा पनीर खा, मैंने पनीर का ले गया रात को, भी मैं बर्गर का वो बनाऊंगा, बर्गर बना रहा हूँ 100 तरह के
के कुक बुक पे हम बर्गर बना रहे हैं, ठीक है, 100 types of burger दो बना चुके हैं, ठीक है, आज तीसरा शूट था, तो उसके लिए मैं पनीर लाया, सुबह उठ के देखा तो खा चुकी थी ये अपना पराठा बना के, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, बार बारिश हो रही है, हेलो पनीर बहुत पड़ा है, तुम जाओ बोलो तो अब मैं देखता हूँ कितना पनीर पड़ा, इतना सा मुझे लगता है टुकड़ा पड़ा, उससे ही शूट करना पड़ेगा क्योंकि इतना पनीर डलता भी नहीं है, हमने शूट करना है। आज हम बना रहे हैं नाचो पेरी पेरी बर्गर काइंड ऑफ, ठीक है, तो वो वीडियोस आप कुक बुक देख सकते हो, यहाँ नहीं डालते, ठीक है, उसका शूट है, उसके शूट की तैयारी कर लेता हूँ, बाकी कई तरह के वीडियोज के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो दिमाग में, वो हम सब शूट करेंगे। ये इसका सबसे पुराना टॉय है गाइस, ये देखो ये इसका सबसे पुराना टॉय है, यही खेलता है इसके साथ, जब बचपन में छोटा सा था ना तो ये बड़ा टॉय, मैंने किसी को टॉय लेने के लिए भेजा, जब फर्स्ट टाइम ये आया था तो मैं घर पे था इसके साथ, तो मैंने किसी को भेजा कि ये अपना टॉय ला दो, तो इतना बड़ा टॉय लिया मैंने, इसका क्या करेंगे, टॉय रख दो ना तो भी इसको ही उठाएगा, बट अब ये इसी से खेलता है तो इसका फेवरेट है, होता है ना अटैचमेंट हो जाती है बचपन से इसी के साथ है, और ये टॉय ऐसा है कि कहीं घुसता भी नहीं है, कहीं घूमता भी नहीं है, ये नहीं कि बैठ के नीचे चला जाएगा, तो इतना बड़ा टॉय है तो कहीं घुसता नहीं, इसलिए बचा हुआ है, बाकी सारे कभी ना कभी कहीं ना कहीं घुस जाते सफाई करने के टाइम पे, फिर ये देखो कैच करेगा फर्स्ट टाइम कैच, बस प्रिपेयर हो चुका, मैंने इसकी प्रैक्टिस करा दी है, क्रिकेट टीम में जाने के लिए तैयार है। हाँ डेबू क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, जैसे कि आप जानते हैं कि गिफ्टिंग चैलेंज लिया है किट्टू जी ने, तो मैंने सोचा कि मैं भी उन्हें कुछ दूँ उन्हें खुश करने के लिए, तो आज मैं उनके लिए रोज़ लेके आई हूँ, तो लेट्स सी उनका रिएक्शन क्या होता है, देखते हैं, अभी वो काम कर रहे हैं। किट्टू जी सुनो, ये लो, थैंक यू फॉर गिफ्टिंग मी, ये मैंने आपको दिया है। अच्छा आप मुझे इतना गिफ्ट करते हो ना, तो फिर मैंने सोचा, तो ये तूने कब लिया है? ये मैंने ले लिया, आपको पता नहीं लगा, मैं बैठ जाऊं? अच्छा आपने ना, आप मुझे इतने गिफ्ट्स देते हो तो मेरे को लगा कि आई हैव टू गिफ्ट यू समथिंग, मैं कुछ नहीं दे सकती, तो मैंने एक रोज गिफ्ट किया। मुझे बताया भी नहीं है, मेरे साथ गई है मार्केट। वाओ थैंक यू बेबी, थैंक यू। हम ये गए थे वो लाहौरी जीरा लेने, तो मैं पीछे से ले आई, पहले तो मेरा बद्दा कह रहा, लेकिन ये भी दे आ रही है, कोई बात नहीं। देखो हस्बैंड वाइफ में ये नहीं होता कि हमेशा हस्बैंड ही गिफ्ट करेगा, वाइफ पे गिफ्ट कर सकती है, मैं कहती हूँ छोटी सी चीज भी हो वो मैटर नहीं करती, पैसा मैटर नहीं करता, गिफ्ट देते रहो सब सही चलता रहता है, प्यार बना है। इसलिए तो मैं चैलेंज ले लिया, मैंने कहा कंटेंट भी बन जाएगा ये भी खुश रहेगी, तो मैंने चैलेंज ही ऐसा लिया कि मेरी बोटी खुश रहे, तो आप भी अपनी बोटी को खुश रहना चाहते हो, कभी कभी छोटे मोटे गिफ्ट देते रहो देते रहो देते रहो, छोटे छोटे देते रहो। मैंने पहली बार इनको ऐसा कुछ मतलब सरप्राइजिंगली दिया, नहीं तो इनको पता ही होता है कि क्या दे रही है कुछ है, ये भी मुझे सब क्या सरप्राइजिंगली दे रहे हैं सब कुछ, फिर भी थोड़ा बहुत रोमांस रहना चाहिए यार लाइफ में, बिना रोमांस दो काम आएगा, ये गिफ्ट हो जाएगा, ये जब थोड़ा सा सूज जाएगा इसका सोना बात ले लेंगे। ही इज वेरी मच जुगाड़ू, इतने जुगाड़ू हैं इनको, गाइस इसका सोना बात लेना, वो शरीर एज ही बॉडी मतलब स्किन ग्लो मारते हैं, इनको कुछ भी दे दो इन्होंने उसका अल्टरनेट ढूंढ ही लेना, देखो ऐसा लग रहा है नकली है बट असली है, अच्छा सोना कितना है, मजा आ गया, चलो गिफ्टिंग चैलेंज में इसका भी साथ होगा, इतना स्पेशल फील होता है ना जब आपको, तो गाइस हमारी वीडियो कैसी लग रही है गिफ्टिंग चैलेंज वाली, चलो आए तो इन्होंने भी गिफ्ट दे दिया, मुझे पता ही नहीं था यार, मेरे साथ गई है अंदर साइड में, कभी मैं स्कूटी खड़ी करी होगी तब तब ले आई है, ऐसा नहीं होता तेजी, तुम सिर्फ तुम दिखा सकते हो, हम नहीं दिखा सकते, तो तेज और हिम्मत ही लगाओ, वो लगाओ जेब लगा, ठीक है प्यार बना रहना चाहिए, लड़ाई तो होती है, तो गाइस हमारी वीडियो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, देखो इतना बढ़िया हम आपको चीजें दे रहे हैं, लाइफ लेसंस, और सबसे बड़ी बात है कि इस जैसे आजकल हर पर्सन का सवाल क्या होता है कि यार मेरी वाइफ का बर्थडे है, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं उसको गिफ्ट क्या करूं, तो हम आपके पास काफी सारे ऑप्शंस ला रहे हैं गिफ्ट देने के, तो आप उनमें से कुछ भी देख सकते हो, और जहां से गिफ्ट ले रहे हैं हम उसका लिंक भी डालते रहेंगे वीडियो में, इसकी स्मेल कम, तो आप देख सकते हो, अभी वीडियो चल रही है और इनके स्मेल कम हो गए कितने बता कम है तो कम है स्मेल यार, इसका गुलकंद बना लो, खिला दो तुम्हें गुलकंद, एक गुलाब का गुलकंद बनेगा, चलो अब इसका मैं सोना बात लूंगा,
और आज हमने बनाए राजमा चावल, तो हम राजमा चावल एंजॉय करेंगे। साथ में हम लाए कृष्णा नगर के भल्ले, बहुत ही फेमस भल्ले ना, वही भल्ले आज फिर लाए, बहुत ही फेमस भल्ले। अब हम आपको राजमा चावल की शक्ल दिखाएंगे। मैंने आज दूसरे स्टाइल से राजमा चावल बनाए। ज्यादा बोर मत करो ऑडियंस को, खत्म करो, आगे बहुत लंबा व्लॉग हो गया, लंबा हो गया व्लॉग। पहली बार तो मुझसे बोला जा रहा है इतना।